सभ्यता का विकास हमारी जीवन शैली से प्रदर्शित होती है। प्राचीन काल में कपड़ों का विकास बड़ी खोज रही होगी और तब हथकरघा उद्योग अपना खास मुकाम रखता होगा। समय के साथ हथकरघा उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ बदलता रहा है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार से मदद पाकर कई बुनकर सफलता की नई मंजिल हासिल करते हुए आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। गोड्डा के बुनकर सखी चंद्र राम पूर्व में एक पिट लूम में काम किया करते थे, जिसमें कई दुश्वारियां थी। उन्हें केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय हथकरघा संवर्धन सहायता योजना का सहारा मिला, जिससे आज उनकी जिंदगी बदल गई है। इस स्थिति को सुधारने में हमारे क्षेत्रीय बैंक SBI का सहयोग है, जिसमें हमने लोन लिया और मार्केटिंग का सहयोग इससे हमें मिला। गोड्डा के मास्टर बुनकर देवकांत कुमार भी बुनकरों की सहायतार्थ विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की तारीफ करते नहीं थकते। गुजरते समय को याद करते हुए वो बताते हैं कि पहले उन्हें आर्थिक तंगी के कारण काम के लिए जरूरी सामग्रियों की खरीदारी की टेंशन लगी रहती थी, लेकिन बुनकर मुद्रा योजना से जुड़कर अब उनकी सभी दिक्कतें दूर हो चुकी है तथा वो अब तरह तरह के उत्पाद भी तैयार कर पा रहे हैं। 2 लाख रुपया ऋण दिया है बुनकर ले ऋण, उससे मैं अभी उससे स्थिति ठीक हुई है और कच्चा माल ये सब खरीद रहा हूँ उससे, जिससे कि मैं 8 से 10 हजार रुपया प्रति माह कमा लेता हूँ। केंद्र सरकार के पहल और प्रयासों से न केवल बुनकरों की आर्थिक तंगी दूर हुई है, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित कर बेहतर हथकरघा प्रौद्योगिकी से भी रूबरू करा रही है, ताकि कम मेहनत में उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। गोड्डा जिले के विजय कुमार भी तकनीक उन्नयन कार्यक्रम से जुड़कर सफलता की नई इबारत लिखने में कामयाब हुए हैं। साड़ी है और एक हम लोग नया डिजाइन जो कि हम लोग स्टेपल बोलते हैं उसका भी यह साड़ी है। आज 7 अगस्त को देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। 7 अगस्त का दिन वैसे भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। यह वो खास दिन है जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साल 1905 में तत्कालीन कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। उस अहम पड़ाव को यादगार बनाने के लिए ही वर्ष 2015 से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। गोड्डा से रंजन के साथ मैं दिवाकर कुमार।